हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप ये चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सॉरी फ्रेंड, मेरा वॉइस थोड़ा सा ठीक नहीं है क्योंकि पूरा सुबह सुबह मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी सो के उठी हूँ, शायद इसके वजह से मेरा वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, उसके लिए सॉरी। तो चलिए आज मैं आप लोग को बताती हूँ, अगर आप IUI करते हैं, IUI के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो आज का टॉपिक ये है आप लोग के लिए, ये टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। IUI में कंसीव होना या फिर प्रेगनेंसी होना कुछ चीज़ें पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका IUI का डे कब है, आपका पीरियड्स का कितना दिन में IUI हुआ है, आपको कितना इंजेक्शंस लगा है, HCG इंजेक्शंस लगा है, तो ये कुछ चीज़ें डिपेंड करता है। अगर आपका IUI, जैसे कि बहुत किसी का IUI डे 10 से लेकर डे 20 के अंदर में होता है, अगर किसी का सिस्टम ठीक ठाक है, पीरियड्स का साइकिल जो रेगुलर है ठीक ठाक बेसिस में चल रहा है, तो ज़्यादातर उन लोग का डे 13, 14, 15 में हो जाता है। किसी किसी का ऐसा होता है एग्स का साइज जो है इजीली नहीं बढ़ता है, उसके लिए एग्स को बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन लगता है वो कुछ ज़्यादा लगता है, जिसके वजह से IUI डे 16, डे 17, डे 18, डे 19 तक भी हो जाता है किसी किसी का। बट डे 20 से ज़्यादा होने से डॉक्टर खुद ही मना कर देते हैं IUI करवाने के लिए। तो डे 10 से लेके डे 20 का अंदर ही ज़्यादातर IUI किया जाता है। अगर आपका IUI डे 10 में हुआ है तो फिर आपका कंसीव जो है वो जल्दी हो जाएगा। ओविलेशन का बाद 7-8 दिन या मैक्सिमम 10 दिन ही लगता है इम्प्लांटेशन के लिए। अगर आप पहले से रिलेशन रखे हो उसके बाद ही ओविलेशन होता है, देन आपको और भी थोड़ा कम, 1-2 दिन कम लग सकता है। अगर आप ओविलेशन होने का बाद संबंध रखते हो तो फिर वो 1-2 दिन लेट होता है इम्प्लांटेशन के लिए। अगर आप IUI में, आपको तो आपका ओविलेशन डेट भी पता रह जाता है, तो आपको उस हिसाब से IUI किया जाता है। तो अगर आप IUI होता है तो प्रेग्नेंट होने के लिए ज़्यादा नहीं, फिर भी 8 लेकर 15 दिन के अंदर प्रेगनेंसी पता चल जाती है, कंसीव होती है, प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। ज़्यादातर अगर आप लोग का IUI हुआ है तो उसके बाद अगर आप जल्दी में हैं, एक्साइटेड है मेरा कंसीव हुआ है कि नहीं जानने के लिए, बहुत महिलाओं क्या करते हैं पहले से टेस्ट कर लेते हैं, बट वो पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव आता है क्योंकि HCG इंजेक्शन के वजह से टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। अगर आप IUI करवाते हैं तो आपको एटलीस्ट 15 डे वेट करना चाहिए, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस है 10 से लेकर 15 दिन के बीच में ही हो जाता है और किसी का जल्दी भी हो सकता है। तो फिर आप 15 दिन तक वेट कीजिए, उसके बाद ही आप टेस्ट कीजिए, आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।